हेलो एवरीवन यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर सेवेंटी है इस वीडियो में हम थ्रेड क्लास की स्लीप मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेटेस्ट गेट स्टार्टेड नाउ वेरी फर्स्ट विल डिस्कस फ्यू फेक्ट्स अबाउट द स्लीप मैथड और वह है सबसे पहला स्लीप इज स्टेटिक मेथड ऑफ थ्रेड क्लास जो स्लीप मैथड है वह थ्रेड क्लास के मैथड है और यह मैथड स्टेटिक मैथड है यानि इसको हम थ्रेड क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं सेकेंड थिंग अबाउट द स्लीप मैथड इज स्लीप मैथड कैन बी यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट थ्रेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम इन मिली सेकेंड्स कहने का मतलब है कि जो स्लीप मेथड है उसका यूज हम किसी पर्टिकुलर थ्रेड के एग्जीक्यूशन को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक पॉज करने के लिए यूज़ करते हैं ओके okay? यानी किसी थ्रेड को हमें ब्लॉक करना है एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए तो हम स्लीप मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे स्लीप मेथड में एक इंटीजर वैल्यू हमें प्रोवाइड करना पड़ता है वह इंटीजर वैल्यू वो टाइम पीरियड है जो कि मिली सेकेंड में दिया जाता है जब तक आपको थ्रेड को पॉज करना है ब्लॉक करना है तो यहां कि स्लीप मेथड में आपने 1000 1000 एज पास किया तो यह 1000 के लिए या यूं कह सकते हैं कि एक सेकेंड के लिए जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर देगा थ्रेड को ब्लॉक कर देगा नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट द स्लीप मेथड स्लीप मेथड थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन Class तो यह स्लीप मैथड एक चेकड एक्सेप्शन थ्रो करता है दैट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन चूंकि चेकड एक्सेप्शन है तो या तो आपको थ्री एड से आपने जो स्लीप मेथड को कॉल किया हुआ है उसको ट्राईकेज में लिखना पड़ेगा यानी स्लीप स्लीप मेथड के कॉल को आपको ट्राईकेच प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रोज क्लॉज में लिखना पड़ेगा जिस मेथड में आप स्लीप मेथड को कॉल कर रहे हो अब स्लीप मेथड को हम थोड़ा प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करें सो स्लीप मेथड को प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं सो लेटेस्ट सपोज मैं एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ उस क्लास को नाम मैंने दिया स्लीप डेमो ओके ओके सो यह जो स्लीप डेमो क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हम मेन क्लास बनाएंगे और जिसमें हम मेन मेथड स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड लिख दिया अब इसी फाइल के अंदर हम एक और क्लास बनाते हैं वह थ्रेड बनाने के लिए तो मैंने सपोज एक क्लास क्रिएट किया क्लास रनेबल इम्प्लीमेंट्स रनेबल अब जैसा कि हम जानते हैं कि थ्रेड का जो कोड है वो हम रन मेथड में लिखते हैं तो यहाँ ये माई रनेबल क्लास जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसमें रन मेथड को हमें ओवर करना पड़ेगा सो रन मेथड को हम ओवर कर लें अब यह जो रन मेथड हमने यहाँ पे ओवर किया है इसमें हम कोई टास्क लिखेंगे सो दैट स्लीप मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें सो वेरी फर्स्ट मैं एक टास्क करवाऊंगा थ्रेड से और वो टास्क बहुत ही सिंपल हम रख रहे हैं जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर प्रिंट करवाने का टास्क हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे सो so, यहाँ पे लिखें फॉर आई इक्वल जीरो आई लेस इंट टेन एंड देन आई प्लस प्लस ओके एंड देन यहाँ पे हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दें एंड सिंस मैं आई की वैल्यू को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने प्रिंट से एल एन यहाँ हटा दिया एंड आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया फॉर लूप कंप्लीट हो जाने के बाद में न्यू लाइन पे जाने के लिए मैंने एक बार फिर से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिख दिया ओके सो यहाँ पे हमने जो रन मेथड में कोड लिखा हुआ है वह जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर को प्रिंट करेगा अब यदि मैं चाहता हूँ कि हर एक नंबर प्रिंट करने के बाद में यह जो थ्रेड है वह एक सेकंड के लिए पॉज होना चाहिए समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे थ्रेड नंबर प्रिंट करना शुरू करेगा जीरो प्रिंट करेगा देन वन प्रिंट करेगा देन टू प्रिंट करेगा तो मैं चाहता हूं कि हर नंबर प्रिंट करने के पहले या फिर बाद में जैसा भी आप मैनेज करना चाहो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि हर नंबर को प्रिंट करने के पहले जो थ्रेड है वो एक सेकेंड के लिए ब्लॉक हो जाए एक सेकेंड के लिए पॉज हो जाए तो उसके लिए जैसा हम जानते हैं कि हमें थ्रेड ने स्लीप मेथड प्रोवाइड किया है तो हम यहाँ पे थ्रेड मेथड थ्रेड की स्लीप मेथड का यूज करेंगे सो लेटेस्ट कॉल इट जैसा हम जानते हैं कि जो स्लीप मेथड है वो स्ट्रेटिक मेथड है तो मैंने थ्रेड क्लास का नाम लिखा डॉट और फिर मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि मिली सेकेंड में है तो वन थाउजेंड मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड के लिए थ्रेड जो है यहाँ पे पॉज हुआ करेगा नाउ एज अर्लियर कि जो मेथड है वह एक चेकड uh, एक्सेप्शन कौन सा इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है और सिंस ये चेकड एक्सेप्शन है तो यहाँ पे हमें या तो ट्राई ट्राइकेज देना पड़ेगा या फिर इसको थ्रोस क्लास में लिखना पड़ेगा तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्राइकेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सो लेटेस्ट प्रोवाइड इट तो हमने यहाँ पे जो स्लीप मेथड का कॉल है उसको ट्राईकेज प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे यदि यह आप कोई प्रॉब्लम है उसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो एक मेथड कॉल कर दे रहा हूं मैं प्रिंट ट्रेस मेथड सो लुक हियर स्लीप मेथड का जो कॉल है मैंने ट्राई के अंदर लिख दिया और केश प्रोवाइड कर दिया तो यह जो कंपाइल टाइम एरर है वह अब चले जाएगी तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है जो जीरो से लेकर नाइन तक के 9 नंबर प्रिंट करेगा बट हर नंबर को प्रिंट करने के लिए यहाँ जो थ्रेड है वह एक सेकेंड के लिए ब्लॉक हुआ करेगा और उसके बाद में नंबर प्रिंट करेगा अब इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हमने जो स्लीप डेमो मेथड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो सबसे पहले माई रनेबल क्लास जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बना लें माई रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में श्रेड का ऑब्जेक्ट बना लें अब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसकी स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेते हैं फाइन सो मेन मेथड में हमने सबसे पहले माइरेनेबल का ऑब्जेक्ट बनाया फिर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने माइरेनेबल uh, so का ऑब्जेक्ट दे दिया एंड स्टार्ट मेथड को कॉल किया सो दैट थ्रेड का एग्जीक्यूशन हम चेक कर सके ओके सो लेटेस्ट टेस्ट दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं सो so जब हम इसको रन करेंगे सो so, इसके आउटपुट पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लुक यार जीरो प्रिंट हुआ फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो इस तरीके से एक एक सेकेंड का पॉज देके के यहाँ पे जो है वो नंबर प्रिंट हो रहे हैं ओके सो दिस इज वॉट वी से कि जो थ्रेड है उसको यदि आपको किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक करना है पॉज करना है तो आप स्लीप मेथड का यूज कर सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे क्या होता है एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को जैसे ही थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा मतलब रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो जीरो है और ऑब्वियसली फॉर की कंडीशन जो है आई लेस देन टेन वॉर ट्रू है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमने थ्रेड डॉट स्लीप मेथड कॉल किया हुआ है और उसमें हमने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है वन थाउजेंड तो यह एक सेकेंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा पास हो जाएगा जैसे ही वो एक सेकेंड कंप्लीट होगा फिर ये रनेबल स्टेट में जाता है ध्यान रखना डायरेक्टली रन नहीं होता रनेबल में जाएगा और फिर जब इसको सीपी यू मिलेगा तो यह जीरो प्रिंट करेगा देन आई की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी वन वन जैसी वैल्यू है आई की फिर थ्रेड जो है वो वन सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा एंड देन जो ब्लॉक टाइम कंप्लीट हुआ फिर रनेबल में जाएगा और फिर रनिंग में आने के बाद में वो नेक्स्ट नंबर प्रिंट करेगा तो इस तरीके से जो है यहाँ पे थ्रेड है हर नंबर को प्रिंट करने के लिए पहले एक डिले ले रहा है पहले एक सेकेंड के लिए पॉज हो रहा है ओके सो दिस इज वट अबाउट द स्लीप मैथड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो